एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएम में एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की मेरे वीडियो के अंदर हम करेंगे कोरिलेशन, क्वांटिटी टेक्निक्स फॉर बिजनेस डिसीजन यूनिट फर्स्ट के मेरे नोट्स। हमारे जो पिछले वीडियो थे उसके अंदर हमने किया था क्वांटिटी टेक्निक्स फॉर डिसीजन मेकिंग की स्कोप्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जो हमारी पिछली वीडियोज थे उसके अंदर मैंने आपको बोला है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर मैनेजरियल डिसीजन, अपनी जो बुक का नाम है वो, लेकिन सब्जेक्ट का हमारे का नाम क्या है? क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर बिजनेस डिसीजन। सेम ही चीज़ें हैं। क्वांटिटी टेक्निक्स फॉर मैनेजरियल डिसीजन जो है उस बुक के अंदर आपकी दो यूनिट्स अवेलेबल हैं, थर्ड और फोर्थ। तो दैट्स वाई मैंने आपको ये बोला कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर मैनेजरियल डिसीजन इसके लिए प्रीफर आप कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर आपके दो यूनिट्स का कंटेंट है। जो हमारी पहली दो यूनिट्स हैं उसका कंटेंट नहीं है, तो उसका कंटेंट मैं आपको ऑनलाइन सर्च करके प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो ये चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि मैंने बोल दिया, कई बार मैं बोल देती हूँ आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर बिजनेस डिसीजन, कई बार मैं आपको बोल देती हूँ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर मैनेजरियल डिसीजंस, तो सेम ही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है। उसके अंदर भी सेम ही सिलेबस है, इसके अंदर भी सेम ही सिलेबस है, सेम से ही सब्जेक्ट है, ये सेम ही चीज़ें हैं, क्योंकि दो यूनिट उसके अंदर है आपकी क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर मैनेजरियल डिसीजन के अंदर, और दो यूनिट अलग से हैं बिजनेस डिसीजन के अंदर। तो वही चीज़ है, सेम सी चीज़ें हैं, इसके अंदर कंफ्यूज मत होना। क्योंकि कल परसों एक कमेंट आया हुआ था, उस कमेंट के अंदर एक लड़के ने बोल रखा है कि मैंने ऊपर तो लिख रखा है, कोई प्रोडक्शन फंक्शन था, ऊपर मैंने प्रोडक्शन फंक्शन लिख रखा है, और जो पॉइंट मैंने पढ़ाया उसके अंदर मैंने प्रोडक्टिविटी फंक्शन पढ़ा रखे हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन एंड प्रोडक्टिविटी फंक्शन आर सिमिलर, दे आर मतलब वो सिमिलर सी ही चीज़ें होती हैं। तो वो नहीं, ऐसी चीज़ नहीं कि वो गलत मैंने बोला है, उसके अंदर लिख रखा है वो चीज़ मैंने उसको समझाई है, वो चीज़ मैंने बोली है। प्रोडक्शन फंक्शन एंड प्रोडक्टिविटी फंक्शन आर सिमिलर, दोनों ही चीज़ें सिमिलर हैं। तो उस चीज़ को नेगेटिव वे में कोई भी कमेंट करके मतलब ऐसी चीज़ें मत बोला करो, थोड़ी सी हर्ट होती हैं वो चीज़ें। तो जो प्रोडक्शन फंक्शन प्रोडक्टिविटी फंक्शन जो है वो चीज़ें सेम सी ही हैं, कोई अलग चीज़ उसके अंदर नहीं दी गई है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उसको रिप्लाई कर दिया था कि भाई सेम सी चीज़ें हैं, सिमिलर ही हैं, तो इसमें थोड़ी सी आप लोगों को कंफ्यूजन लग रही है। तो इसीलिए मैंने इसके अंदर क्लियर किया कि क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर बिजनेस डिसीजन या क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर मैनेजरियल डिसीजन अगर मैं बोल देती हूँ तो ये सेम ही चीज़ें हैं। इसको ये मत सोचना कि मैं आपने पहले क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर बिजनेस डिसीजन बोला था, अब आप मैनेजरियल डिसीजन बोल रहे हो, वो सेम ही बात है। क्योंकि बुक आप लोगों के उसके अंदर सेम ही चीज़ें, सेम ही कंटेंट है उसके अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को कोरिलेशन से। स्टैटिस्टिक्स दैट मेजर्स द डिग्री टू विच टू सिक्योरिटीज मूव्स इन रिलेशन टू ईच अदर, दो सिक्योरिटीज जो एक दूसरे के साइड रिलेशन में मूव कर रही हैं ईच अदर, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक मेजर। जो डिग्री विच टू सिक्योरिटीज मूव इन रिलेशन टू ईच अदर, एक कोरिलेशन क्या होता है, एक स्टैटिस्टिक मेजर होता है जो डिग्रीज शो करता है, जो दो डिग्रीज मूव कर रही हैं एक दूसरे के साथ रिलेशन बना के, रिलेशन विद ईच अदर। मीनिंग ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस इज अ प्रोसेस टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स बाय अप्लाइंग वेरियस स्टैटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स। कोरिलेशन एनालिसिस वो एनालिसिस होती है जिसके अंदर हम एनालाइज करते हैं डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, जो हमारे दो वेरिएबल्स हैं या दो से ज़्यादा जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में हम रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं स्टैटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करके। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कॉर्नर, इफ टू और मोर क्वांटिटी वेरी इन द सिंपैथी सो दैट द मूवमेंट इन द वन टेंड्स टू बी अकोमोडेटेड बाय द कोरस्पोंडिंग मूवमेंट्स इन द अदर, दे सेट्स टू बी आर कोरिलेटेड। देखो कोरिलेशन नाम से पता चल रहा है, कोरिलेशन मतलब दो चीज़ों के बीच में रिलेशन, वो किसी भी चीज़ के बीच में हो सकता है, दो वेरिएबल्स के बीच में, दो लोगों के बीच में। देखो एक रिलेशनशिप ऐसी नहीं होती जो हस्बैंड वाइफ की होती है, रिलेशनशिप फ्रेंड्स की भी होती है, दो फ्रेंड्स हैं, भाई बहन की भी होती है, माँ बाप की भी होती है। तो रिलेशनशिप हर एक अलग अलग चीज़ अलग अलग मायने रखती है। तो कोरिलेशन मतलब दो चीज़ों के बीच में रिलेशन को स्टडी करना, उसको एनालाइज करना। तो कोरिलेशन एनालिसिस का मतलब क्या होगा, दो डिग्री, ऐसी डिग्री जिसके अंदर हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के अंदर अपने स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करके, उसको हम बोलते हैं कोरिलेशन एनालिसिस। ऑफ कोरिलेशन पॉजिटिव नेगेटिव सिंपल पार्शियल एंड मल्टीपल एंड लीनियर एंड नॉन लीनियर। फर्स्ट हमारा टाइप है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव
कोरिलेशन क्या होगा जब दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन के अंदर सेम उसके अंदर बढ़ रहे हैं, सेम अमाउंट के अंदर बढ़ रहे हैं। अगर वो घट रहे हैं तो सेम अमाउंट के अंदर घट रहे हैं, अगर वो बढ़ रहे हैं तो वो सेम अमाउंट के अंदर बढ़ रहे हैं। टू वेरिएबल्स मूव इन सेम डायरेक्शन, या फिर वो बढ़ भी रहे हैं तो वो सेम डायरेक्शन के अंदर बढ़ रहे हैं। वेदर द कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल इज पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द चेंज। वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? जो उनकी डायरेक्शन होती है चेंज होने की। द कोरिलेशन इज पॉजिटिव व्हेन बोथ वेरिएबल मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। कोरिलेशन पॉजिटिव कब होगी? जब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन के अंदर चल रहे होंगे। देन व्हेन वन वेरिएबल इंक्रीज अदर ओन एंड एवरेज ऑल्सो इंक्रीज। अगर एक वेरिएबल हमारा इंक्रीज हो रहा है तो जो ओन एंड एवरेज दूसरा वेरिएबल भी हमारा इंक्रीज होना चाहिए, और अगर हमारा एक वेरिएबल घट रहा है तो जो दूसरा वेरिएबल है वो भी हमारा घटेगा। एंड वन वेरिएबल इज डिक्रीज अदर ऑल्सो डिक्रीज। अगर हमारा एक वेरिएबल घट रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी घटेगा, तो उस टाइम पे हमारी क्या होगी? पॉजिटिव कोरिलेशन होगी। द कोरिलेशन इज सेड टू बी अ नेगेटिव व्हेन बोथ वेरिएबल मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। कोरिलेशन हमारा नेगेटिव कब होगा? जब हमारे दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे होंगे। अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है, मतलब ये इस साइड जा रहा है दूसरा इस साइड जा रहा है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, तो उस टाइम पे हमारा नेगेटिव कोरिलेशन होगा। व्हेन वन वेरिएबल्स इज इंक्रीज अदर डिक्रीज। जब एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा घट रहा है, वाइस वर्सा अगर एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। तो नेगेटिव हमारा कब होगा? जब एक बढ़ेगा वो दूसरा घटेगा, और जब एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, वाइस वर्सा दोनों चीज़ें हो गई। तो नेगेटिव के अंदर क्या होगा कि जब हमारा एक वेरिएबल कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, अगर एक वेरिएबल ज़्यादा होगा तो दूसरा घटेगा। ये नेगेटिव हमारा कोरिलेशन होगा। और पॉजिटिव के अंदर क्या होगा? व्हेन व्हेन वेरिएबल इज इंक्रीज अदर देन आल्सो इंक्रीज। अगर हमारा एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, और अगर हमारा एक डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। तो ये थे हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट है सिंपल पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। वेदर द कोरिलेशन इज सिंपल पार्शियल और मल्टीपल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल स्टडीज। देखो उसके अंदर क्या था? डिपेंड था उसकी डायरेक्शन ऑफ चेंज के ऊपर। पॉजिटिव नेगेटिव किसके ऊपर डिपेंड था? जो उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है उसके ऊपर। बट सिंपल पार्शियल एंड मल्टीपल किसके ऊपर डिपेंड होगा? नंबर ऑफ वेरिएबल जो हमने स्टडी किए हैं उसके ऊपर होगा। द कोरिलेशन इज सेड टू बी अ सिंपल व्हेन ओनली टू वेरिएबल्स आर स्टडीज। कोरिलेशन हमारा सिंपल कब कहा जाएगा? जब हमारे दो वेरिएबल स्टडी किए जाएंगे। द कोरिलेशन इज आइदर मल्टीपल और पार्शियल व्हेन देयर आर द मोर वेरिएबल्स आर स्टडीज। देखो सिंपल के अंदर क्या होगा कि हम सिर्फ दो वेरिएबल को स्टडी करेंगे, बट जो कोरिलेशन है वो हमारा सिंपल मल्टीपल और पार्शियल कब होगा? जब हम दो और दो से ज्यादा वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे। देखो हमने पॉजिटिव के अंदर क्या पढ़ा था कि डायरेक्शन के चेंज होने से के ऊपर डिपेंड होते हैं हमारे कोरिलेशन, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सिंपल पार्शियल और मल्टीपल के अंदर क्या होगा? नंबर ऑफ वेरिएबल के ऊपर डिपेंड होगा कि ये पार्शियल है, ये मल्टीपल है या ये सिंपल है। तो सिंपल के अंदर तो क्या होगा कि सिर्फ दो वेरिएबल अगर हम स्टडी करेंगे, अगर हम हमारे टू वेरिएबल्स को हम स्टडी करेंगे तो उस टाइम पे हमारा सिंपल कोरिलेशन होगा, और अगर हम दो और दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे तो हमारा मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन होगा। द कोरिलेशन इज सेड टू बी अ मल्टीपल व्हेन दे थ्री वेरिएबल्स आर स्टडीज साइमल्टेनियसली। हमारा जो कोरिलेशन है वो मल्टीपल कब होगा? जब तीन वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली स्टडी किए जाएंगे तो उस टाइम पे हमारा मल्टीपल होगा, या तीन तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। वेदर द कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल इज लीनियर और नॉन लीनियर डिपेंड्स ऑन द कंसिस्टेंसीज ऑफ रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन द वेरिएबल। देखो पॉजिटिव नेगेटिव में था डायरेक्शन ऑफ चेंज, सिंपल पार्शियल में था नंबर ऑफ वेरिएबल स्टडीज के अकॉर्डिंगली, लीनियर एंड नॉन लीनियर के अंदर है रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन द वेरिएबल। कितने रेशियो के अंदर वो वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं डिपेंड्स ऑन लीनियर एंड नॉन लीनियर के अंदर होगा। द कोरिलेशन इज सेड टू बी लीनियर व्हेन द अमाउंट ऑफ चेंज इज वन वेरिएबल टू द अमाउंट ऑफ चेंज इन अनदर वेरिएबल टेंड्स टू बी अ कॉन्स्टेंट रेशियो। देखो लीनियर कब होगा? जब हमारा जो चेंज ऑफ रेशियो है वन वेरिएबल चेंज होगा और दूसरा वेरिएबल भी चेंज होगा, तो जो रेशियो हमारा वो सेम होगा कॉन्स्टेंट रहेगा, तो उस टाइम पे हमारा लीनियर रहेगा। वाइस वर्सा नॉन लीनियर के अंदर क्या होगा? जो हमारा रेशियो है वो एक ज़्यादा चेंज हो रहा है, एक चेंज नहीं हो रहा है, एक चेंज हो रहा है, एक अगर डिक्रीज हो रहा है एक इंक्रीज हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है तो एक डिक्रीज हो रहा है, तो जो हमारा वाइस वर्सा सेम चीज़ जो होगी वो होगी हमारी नॉन लीनियर कोरिलेशन के अंदर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया है कोरिलेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन क्या होते हैं।
अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, मैं उसको हर वीक अपडेट कर देती हूँ। तो ऐसा मत सोचना कि अपडेट नहीं हुआ, वो हर वीक अपडेट हो जाता है। वो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।